भारत की सुरक्षा रणनीति क्या है, ये हम देखते हैं एक बार। भारतीय सुरक्षा रणनीति चार व्यापक घटकों पर निर्भर करती है। सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना भारत की सुरक्षा रणनीति का पहला घटक है, क्योंकि भारत अपने पड़ोसियों के साथ संघर्षों में शामिल रहा है। जैसे ये पाकिस्तान के साथ भी हमारे पास कई युद्ध हो चुके हैं और चाइना के साथ भी। और भारत की सुरक्षा रणनीति का दूसरा घटक, अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। यानी कि जो जैसे यूएन वगैरह हो गया, भारत काफ़ी सपोर्ट करता है इन सब संगठन को, इस तरह से, जो एक हमारी सुरक्षा रणनीति का बहुत ही बड़ी चीज़ है। और थर्ड है हमारे इसमें, भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा महत्वपूर्ण घटक, देश के भीतर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। चौथा घटक, अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित करना है कि नागरिकों का विशाल जनसमूह गरीबी और दुख से बाहर निकल जाए। अब तथ्य की सामग्री में हम जो सारी चीज़ अभी तक हमने पढ़ी है उसको हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सुरक्षा खतरों से मुक्ति है। सुरक्षा मूल्यों को, युद्ध को रोकने, सीमित करने और समाप्त करने की धमकी देने से बचाता है। सुरक्षा की धारणाओं को दो, अर्थात पारंपरिक अवधारणा और गैर पारंपरिक अवधारणा में बांटा जा सकता है। पारंपरिक धारणा में बाहरी और आंतरिक खतरे शामिल हैं। बाहरी खतरे से सैन्य युद्ध शक्ति संतुलन और गठबंधन निर्माण के खतरों का अनुभव होता है, जबकि आंतरिक में आंतरिक शांति और व्यवस्था शामिल होती है। पारंपरिक सुरक्षा के साधन, निरस्त्रीकरण, हथियारों पर नियंत्रण और विश्वास निर्माण के माध्यम से अधिकतम सीमा तक हिंसा को सीमित करते हैं। निरस्त्रीकरण सीमा कुछ प्रकार के हथियारों को छोड़ने के लिए कहती है। हथियार नियंत्रण हथियारों के अधिग्रहण को नियंत्रित करता है और विश्वास के साथ विश्वास भवन और विचारों को भी साझा करता है। फिर फोर्थ इसमें गैर पारंपरिक सुरक्षा, मानव और वैश्विक सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसमें सभी प्रकार के मानव शामिल है। संकीर्ण अर्थों में मानव सुरक्षा आंतरिक हिंसा से व्यक्तियों की रक्षा करती है, जबकि मोटे तौर पर यह भूख, बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाता है। वैश्विक सुरक्षा ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू और इतने पर स्वास्थ्य महामारी जैसे खतरों का जवाब देती है। फिफ्थ इसमें खतरों के नए स्रोतों में, जैसे आतंकवाद हो गया, आपका मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, वैश्विक गरीबी है, पलायन और स्वास्थ्य महामारी शामिल है। आतंकवाद से तात्पर्य राजनीतिक हिंसा से, जो नागरिकों को जानबूझकर और अंधाधुंध निशाना बना रही है। मानवाधिकारों के खतरे में राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के साथ साथ उपनिवेशित लोगों और स्वदेशी अल्पसंख्यकों के अधिकार भी शामिल होते हैं। और वैश्विक गरीबी कम प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक विकास से ग्रस्त है, और उच्च जनसंख्या प्रवासन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घर्षण पैदा करता है, क्योंकि राज्य प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए विभिन्न नियमों का पीछा करते हैं। स्वास्थ्य महामारी, HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम का प्रवासन व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के माध्यम से कवर करती है। सेवन है इसमें गरीबी को कम करने, प्रवासन शरणार्थियों आंदोलन और महामारी को नियंत्रण करने के लिए सहकारी की सुरक्षा की आवश्यकता है। सहयोग द्विपक्षीय और क्षेत्रीय, महाद्वीपीय या वैश्विक हो सकता है, जो खतरे या स्वेच्छाचारिता की प्रकृति और देशों की राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता पर निर्भर करता है। एट्थ इसमें भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों खतरों का सामना किया है। भारत की सुरक्षा रणनीति में चार व्यापक घटक हैं, जो सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और संस्थाओं को मजबूत करना, सीमा के अंदर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना और नागरिकों को गरीबी, लापता, आर्थिक असमानताओं से बाहर निकालना। तो ये जो हमारी क्या है, भारत की सुरक्षा की रणनीति है। फिर इसमें आपने इस लेसन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी देखे होंगे, जैसे सुरक्षा, हथियार नियंत्रण, निरस्त्रीकरण, तो आप इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं इसको। फिर फोर्थ में बताती हूँ आपको, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, वैश्विक गरीबी है, प्रवासन है, ये सारे जो इसमें वर्ड्स यूज हुए हैं ये आपको उसका डेफिनेशन यहाँ पर बताया गया है। इसी के साथ ही वीडियो आपका फिनिश होता है। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। Thank you so much.